वेयरहाउस व नेहरू मार्केट के व्यापारियों ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को राज्य में लागू करने के पक्ष में आज विक्रम चौक में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता की गाड़ी वहां से गुजरी तो प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने उनकी गाड़ी रोककर विरोध जताते हुए जीएसटी को राज्य में फौरन लागू करने की मांग की। जीएसटी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा जिसकी वजह से हमारे व्यापारियों में बहुत रोष था। आज उसका ही सेकंड हमने पार्ट प्ले किया है। आज भी हमारा ये आप देखें प्रोसेशन बहुत स्ट्रांग है और लोगों के बहुत रिजेंटमेंट है जीएसटी जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा स्टेट में, जबकि पूरे हिंदुस्तान में ये जीएसटी लागू हो चुका हुआ है कल रात से और पूरे हिंदुस्तान में जश्न मना रहे हैं और हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता अपनी गाड़ी से बाहर आए और प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार रियासत में जीएसटी लागू करेगी, क्योंकि व्यापारी और कंज्यूमर डबल टैक्सेशन के दायरे में आएगा तो उसको बहुत मुश्किलें उसकी बढ़ेंगी, इसलिए सरकार ने भी सोचा है और आने वाले जो 4 से लेकर 8 का सेशन है उसमें जीएसटी बिल को लाया जा रहा है। जो बिजनेस हमें मिलेगा हम उसे विधानसभा के आगे रखेंगे और सभी इन मुद्दों पर चर्चा होगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 8 तक कोई ना कोई इसका हल निकलने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट अर्ली टाइम्स।